इंदौर आए सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने न्यूज 29 इंडिया से खास बातचीत की। वे यहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में सपाक्स के पार्टी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आए थे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 29 इंडिया से आगामी चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा बनाई रणनीति के बारे में चर्चा की। आज मैं सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी जी से उनकी पार्टी के बारे में और उनकी पार्टी के एजेंडे के बारे में हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी को इस चुनाव में आगे ले जा रहे हैं और उनका क्या मार्गदर्शन है वो इस बारे में मुझे बताएं। मेरे साथ है हीरालाल त्रिवेदी। इस वक्त आपका बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियों के साथ मुकाबला है, तो सपाक्स की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से चुनाव में अपने को आगे लेंगे? देखिए, सपाक्स पार्टी का जन्म अभी 2 माह हो रहा है। हम लोगों ने 31 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग और 6 नवंबर को भी इसका, तो लेकिन हमारा जो ये आंदोलन है ये करीब 2 वर्ष से चला। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जो इशू चल रहा था कर्मचारियों का, उसमें हाईकोर्ट से जाने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कोई भाई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। उसके बाद समाज के कुछ लोगों ने समाज की स्थापना की और हमने लगातार सरकार से संवाद स्थापित किया, ज्ञापन दिए, कुछ हुआ नहीं। इसी बीच 2016 में एट्रोसिटी एक्ट में भी इन्होंने अमेंडमेंट किए भाजपा सरकार ने और ऐसे अपराध जोड़ दिए छोटे मोटे कि जिससे आम आदमी के जनजीवन पर उसका असर पड़ा। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तार करने के लिए खासकर जैसे किसी की जाति का नाम ले दिया, आपस में कहा सुनी, पार्किंग को लेके विवाद हो गया, प्रताड़ित करना, किसी की जाति का नाम लेना किसी का, ये ऐसे जमानती अपराध हैं कि जिनको इन्होंने गैर जमानती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था इन्होंने उसका पालन नहीं किया और उसके विरोध में जो तोड़फोड़ हुई, लोगों ने प्रदर्शन किए और अल्टीमेटली हमारे सभी ज्ञापन देने के बाद भी सभी सांसदों को ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उसके बाद भी 2018 में इन्होंने इसको रिपीट किया और तो और अग्रिम जमानत का प्रावधान। इसलिए जो है हमें सपाक्स पार्टी खड़ी। एक दिन के लिए इंदौर आए सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने विभिन्न समस्याएं और उनके समाधान पर न्यूज 29 इंडिया से चर्चा की। हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि सपाक्स का जन्म 2 महीने पहले ही हुआ, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हमारा संघर्ष 2 साल से चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोई मालका लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद समाज के कुछ लोगों ने सपाक्स पार्टी की स्थापना की। एट्रोसिटी एक्ट में छोटे मोटे अपराध भी जोड़ दिए जिससे आम आदमी के जनजीवन पर भी उसका असर पड़ा। जमानती अपराध को गैर जमानती अपराध बना दिया। इसके अलावा व्यापारी और रोजगार की समस्या पर हीरालाल त्रिवेदी बोले कि जाति के आधार पर चलने वाली आर्थिक योजनाओं को हम गरीबी के आधार पर चलाएंगे और सभी को रोजगार देंगे। हम रोजगार पाने में आने वाली जातिगत बंदिशों को खत्म करेंगे ताकि सभी वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सके। आपके मेन 2 मुद्दे हैं, एक मेट्रो सिटी एक्ट और पदोन्नति में आरक्षण। इसके अलावा भी व्यापारी वर्ग है, युवा वर्ग है, इनके जो समस्या है उसको लेकर सपाक्स की क्या रणनीति है? देखिए, हमारा कहना है कि आप विशेष भर्ती अभियान चला के विशेष वर्ग के तो भर्ती कर लें, लेकिन जनरल ओबीसी अल्पसंख्यक के पद आपने रिक्त छोड़े। हमारा ये रहेगा कि हम ये सभी रिक्त पदों को भरेंगे ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार। दूसरा, जातिगत आर्थिक योजनाएं अभी चल रही है जाति के आधार, हम इसको गरीबी के आधार पर चलाएंगे।
तो आर्थिक आधार पर योजनाओं का लाभ देने से गरीब वर्ग सभी समाज का है उसको लाभ मिलेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जहाँ जहाँ रोजगार के अवसर पाने के लिए जातिगत बंदिश है वो ख़त्म करें ताकि सभी वर्ग के लोगों को उसका रोजगार भी मिल सके। व्यापारी वर्ग के लिए हम दोहरा कराधान खत्म करें। अभी क्या है दोहरा कराधान हर जगह, चाहे आप कहिए कि एक बिल्डर है बनाने वाला है आवास मकान बन रहा है कि चाहे गरीबों के मकान बने, वो सीमेंट सरिया लोहा इन सब पे टैक्स देता है, आपका मटेरियल पे टैक्स देता है और फिर GST भी देता है बाद में लास्ट में, तो उससे चीज़ें महंगी हो रही है और आम आदमी का जो आवासीय निर्माण है वो महंगा पड़ रहा है। व्यापारियों को छोटे व्यापारियों को ये लोग आयात कर रहे हैं बाहर से, पाम ऑयल आयात करते हैं, दालें आयात कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ के किसान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, भाव नहीं मिल रहा है और आयात होने से बड़े व्यापारियों को लाभ, लेकिन छोटे व्यापारी हैं उनको उससे नुकसान हो रहा है क्योंकि सस्ती चीज़ ला के मार्केट में आ गई, खरीदार मिलते नहीं है और आम आदमी उससे दुखी है, केवल टैक्स रिटर्न भर भर के वो परेशान। महंगी बिजली को लेकर हीरालाल त्रिवेदी बोले कि हमारी सरकार आती है तो पहली 50 यूनिट बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी, इसके बाद सभी वर्ग के लिए 4 रुपये प्रति यूनिट लेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत और सम्मेलन के नाम पर पार्टियों ने करोड़ों रुपया बर्बाद किया है, इससे आम जनता को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, यही पैसा युवाओं के रोजगार में खर्च किया जाता है तो प्रदेश की स्थिति कुछ और ही होती। अपने फायदे के लिए जो पार्टियाँ अपव्यय करती है हम इस पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे, पार्टियों के वेतन भत्ते सभी पर रोक लगाएंगे, सुविधा के नाम पर अधिकारियों और नेता को जितना मिलता है उतना मिलेगा। कर्ज के बोझ तले मध्य प्रदेश को लेकर उनका कहना है कि टैक्स की प्लानिंग यदि सही होना चाहिए, किसी की भी टैक्स के चलते कमर नहीं टूटनी चाहिए, इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए कि किसान और व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाए। सपाक्स पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर हीरालाल त्रिवेदी का कहना है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसे हमें गुजरना पड़ता है, भाजपा और कांग्रेस तीसरा विकल्प नहीं चाहती इसलिए वो भी अड़चने डालते हैं। कि जिस तरीके से अभी बिजली और पानी को लेकर जो समस्या थी और अगर आपकी सरकार आती है आपके प्रतिनिधि अगर चुनकर पहुंचते तो आपकी क्या रणनीति? देखिए हमने ये घोषित किया हुआ है कि हम जो आर्थिक रूप से जो हम आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं कमज़ोर लोग हैं उनको पहली फर्स्ट यूनिट 50 यूनिट 1 रुपये प्रति यूनिट, उसके बाद सभी वर्ग के लोग जो मध्यम वर्ग है या गरीब वर्ग है 500 यूनिट तक हम केवल जो है उसमें एक्चुअल लागत जो 4 रुपये आती है वो, आज लोगों से 6 से 9 रुपया वसूला जा रहा है जबकि वास्तविक लागत 4। तो हम बिजली के बिलों में कटौती करेंगे, पानी में हमारा केवल वाटर सप्लाई में हमारा कहना है कि वाटर सप्लाई में जो एक पॉलिसी है अभी वो उस पॉलिसी के अंतर्गत स्थिति ये हो रही है कि लोगों को पानी अच्छा आ रहा है, उस स्वच्छ पानी के पेयजल के लिए ही हम पूरा अपना जोर लगाएंगे, फंड लगाएंगे ताकि लोगों को पीने का पानी अच्छा मिले, पानी की व्यवस्था उसके पास रहे। किसानों को हम केवल खाद बिजली पानी की व्यवस्था कराना चाहते हैं कि खाद बिजली पानी की व्यवस्था हो, बाकी किसान जो है अपना खुद सक्षम वो खुद कर लेगा, बस उसको भाव अच्छे मिलना चाहिए और वो जो चीज़ें हम आयात कर रहे हैं वो आयात नहीं यदि नहीं होता है तो किसान अपना को जो लाभ होगा उससे वो अपनी खेती अच्छी रख सकता है। तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार हम उसकी आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी। आप एक प्रशासनिक पद पे भी रहे हैं और जैसा कि आपका कई वर्षों तक का अनुभव भी रहा है तो ये भव्य जो आयोजन होते हैं जो अनुदान के तहत जो रुपया दिया जाता है और कई गुना उसमें पैसा खर्च होता है तो इसके पीछे क्या रणनीति है, आप कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए वर्तमान सरकार की बात करें तो हजारों करोड़ रुपये इन्होंने पादुका चरण पादुका की यात्रा निकाल के खर्च कर दी, आम आदमी को कोई लाभ नहीं, चुनरी यात्रा निकाली आम आदमी को कौन सा लाभ होगा, कोई लाभ नहीं है, केवल वाहवाही लूटने के लिए आप पंचायतें करते हैं, सम्मेलन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ये पूरा अपव्यय है। यदि यही पैसा लोगों को रोजगार देने में सुविधाएं वृद्धि करने में लगाया जाए
तो मध्य प्रदेश की हालत इस पिछले 15 साल में जो आज होना चाहिए थी वो उससे डबल हो जाता था। लेकिन जो अपव्यय है वो राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए राजनीतिक वोट की खातिर जो अपव्यय करता है इसमें हम पूरी तरीके से रोक लगाएंगे। इवन हम जो वेतन भत्ते डबल लेते हैं सांसद विधायक इसमें भी रोक लगाएंगे। उसका खर्चा मिलना चाहिए, विधायक का एक अपना खर्चा लगे, अधिकारी के समान उसको सुविधाएं मिले, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप उसमें से सुविधा के नाम पर इतनी चीज़ें लेने लग जाओ कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको हम सुधार करें। मध्य प्रदेश राज्य के पास कई करोड़ का मतलब करोड़ों का कर्ज बोझ तले दबा जा रहा है। यदि आपकी प्रतिनिधि आते हैं और आपकी सरकार बन गई तो आपकी क्या प्लानिंग है, आपके पास किस तरीके से इस राज्य को बीमारू राज्य से आप ऊपर ले जाएंगे? देखिए, तरीका तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को जो वो चाहते हैं जिस हिसाब से विकास, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या व्यापारी हैं या किसान हैं, सब सक्षम हैं, सब अपने हिसाब से बढ़ना चाहते हैं। केवल आपको उनको सुविधा देने की ज़रूरत है और टैक्सेशन आप केवल उतना करें कि उससे उनकी कमर न टूटे, उन पर इतना बोझ न पड़े कि वो अपना व्यवसाय या किसानी जो है न कर पाए। तो ये चीज़ें भर हम ये फैसिलिटी भर देंगे तो विकास तो अपने आप होगा, लोग अपने आप कर लेते हैं विकास। अगला सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी जब गठित उसके बाद से लेकर अभी चुनाव चिन्ह मिलने में देरी क्यों, उसका कारण क्या, कोई राजनीतिक कोई दबाव रहा वहाँ पर या कोई ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से अपने को चुनाव चिन्ह मिलने में? देखिए, एक तो आपत्तियाँ जो लोग करते हैं आपत्तियाँ निराकरण में समय लगता है। दूसरा, भाजपा और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती कि तीसरा विकल्प, तो वो भी अड़चने डालते हैं और इसमें देरी होना स्वाभाविक है क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग का एक प्रक्रिया भी है, उस प्रक्रिया से तो हम ये नहीं कहते कि निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोग उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं, हमारे लोग ही डाल रहे हैं और राजनीतिक दल जो नहीं चाहते कि हम खड़े हों वो उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं। तो ये चैलेंजेस तो आगे आएंगे, हम इनको फेस करें। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है कि आज 230 विधानसभाओं में चुनाव होना है, आपने कितने जगह पर अपने प्रत्याशी को उतारा? देखिए, हमने लगभग 138 प्रत्याशी उतारे हैं, कुछ जगह हमारे निर्दलीय हो गए, कुछ जगह हमने जो समान विचारधारा वाला दल है उनको समर्थन दिया है, कुछ जगह निर्दलीयों को समर्थन दिया है, तो ऐसे मिला के लगभग 200 सीटें ऐसी है जहाँ हमारा अप्रोच है, हमारी रीच है। और उसमें से ये मान के चलिए कि तीसरे विकल्प की लोगों को तलाश है, हम सोशल मीडिया के मार्फत या प्रिंट मटेरियल के मार्फत, पैम्पलेट के मार्फत और अपना प्रचार प्रसार करके लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि जो जिन मुद्दों की लड़ाई हमने शुरू किया है, हमारे मुद्दे क्या हैं और हमारे साथ लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए। लोग इच्छुक हैं, केवल उन तक अप्रोच होना बाकी है, लोग हमसे जुड़ेंगे क्योंकि इस प्रदेश के, इस देश के 78% जनता के साथ सीधा अन्याय हो रहा है। 70 साल से उनके तरक्की के लिए, उनकी विकास के लिए योग्य जो योग्यता है उसका सम्मान इस देश में नहीं हो रहा है। जो कहना चाहिए कि समाज के वो लोग जो विचारक हैं, बौद्धिक विचार रखते हैं, जो इस समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, उन लोगों का ना तो सम्मान हो रहा है ना उन्हें मौका मिल रहा है। तो हम उनको वैसा मौका देना चाहते हैं, तो ये एक समाज पूरा का पूरा हमारे साथ आ रहा है। और जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा है, चाहे बंद का समय हो या इस एट्रोसिटी एक्ट या आरक्षण का विरोध करने का समय हो, लोगों ने बिल्कुल आगे आकर जो है सहयोग किया। बीजेपी का कहना है कि सपाक्स पार्टी कांग्रेस का ही गठबंधन है और कांग्रेस का भी कहना है कि सपाक्स बीजेपी का गठबंधन, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी की टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस की सीट है, लेकिन हम इस प्रदेश की जनता की ए टीम और इस प्रदेश में इस बार ये तीसरी शक्ति पूरी ताकत से उभरेगी। पूरे प्रदेश में आज की स्थिति में त्रिकोणीय संघर्ष है, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और जब जनता आगे आएगी, जनता अपना प्रजातांत्रिक अधिकार का उपयोग करेगी तो लोगों को
इस प्रदेश को और भाजपा कांग्रेस वालों को भी पता लग जाएगा कि जनता क्या चाहती है। अगर आपकी पार्टी जीतती है अच्छे बहुमत से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी या कांग्रेस को समर्थन करें? देखिए, हम केवल मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दों के अलावा कभी नहीं भटकते। जो हमारे मुद्दों पे एग्री होगा कोई भी दल व्यक्ति, उसी को वही हमारे साथ आ पाएगा। हम अपने मुद्दे या अपनी चीज़ों को छोड़ के किसी के साथ नहीं जाएंगे। यदि कोई हमारे मुद्दों से सहमत है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है, हमारी लड़ाई में हमारे साथ आता है, तो ठीक है। यदि नहीं आता है तो हम अपने मुद्दों को लेके अकेले रहेंगे। त्रिवेदी जी का कहना है कि अगर मेरी पार्टी अगर जीतती है तो मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी एक ए पार्टी बना के रहूंगा और यही मेरा एक एजेंडा है। और गरीब, किसान, युवा वर्ग और बेरोजगार लोगों के लिए हमारी पार्टी अधिक से अधिक काम करेगी, ऐसा त्रिवेदी जी का कहना है। त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी अधिक से अधिक मतों से जीते, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।